आज की रेसिपी आपको देख के समझ में आ ही गया होगा। मैं बनाने जा रहा हूँ रसगुल्ला। रसगुल्ला जितना दिखने में अच्छा लगता है उतना ही खाने में अच्छा लगता है। देखिए मेरा रसगुल्ला एकदम सॉफ्ट है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि रसगुल्ला कैसे बनाया जाता है। रसगुल्ला बनाने के लिए मैंने अमूल का 1.5 लीटर दूध यूज़ किया। आप अपने हिसाब से रख सकते हो जितना दूध आपको चाहिए, जितना बनाना है रसगुल्ला। रसगुल्ला बनाने के लिए हमको दूध को बस एक बार उबाल आने देना चाहिए। अगर उबाल आ जाएगा तो इसमें आप हल्का हल्का विनेगर वाटर डाल के अच्छे से मिक्स करते रहिए। थोड़ा थोड़ा डालिए, एक बार मत डालिएगा, थोड़ा डालिए मिलाइए, थोड़ा डालिए मिलाइए, मिलाते रहिए। डालने के बाद अच्छे से तब तक हमारा दूध फट के खोवा ना बन जाए। खोवा देखिए कैसे मेरा दूध फट के खोवा बनना शुरू हो गया है। देखिए कितना मस्त खोवा बना है। ऐसे ही आपको भी बनाना है। जब खोवा अच्छे से बन जाएगा तो एक मखमल का कपड़ा लेके उसमें अपना खोवा और पानी पलटी कर लीजिए छन्नी लगा के। फिर इसको अच्छे से इसका पानी रिमूव कर दीजिए। पानी निकालने के बाद आप एक बार इसको ठंडे पानी से अच्छे से धो लीजिए, जिससे आपका खोआ ठंडा भी हो जाएगा और विनेगर का जो भी खट्टापन है वो निकल जाएगा। इस प्रक्रिया को आपको 3 से 4 बार करना है ताकि इसका विनेगर वाटर जो भी है वो निकल जाए। विनेगर निकलने के बाद ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा, नहीं तो इसको खाने में आपको मज़ा नहीं आएगा और इसका खट्टापन रह जाएगा। तो आप जितना इसको अच्छे से पानी निकालेंगे उतना अच्छा आपका रसगुल्ला बनेगा। देखिए एकदम गार की जितना आपके पास ताकत उतना ताकत लगा के इसका पानी निकालना है आपको। जब इसका सारा पानी निकल जाएगा तो हम एक थाली में इसको अच्छे से पलटी कर लेंगे। पलटी करने के बाद से इसको थोड़ा थोड़ा टुकड़े में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद से आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हाथ का नीचे का हिस्सा होता है ना, उसे हमको इसको कम से कम 10 मिनट तक इसको अच्छे से जैसे आटा गूंदा जाता है वैसे इसको भी गूंद लेंगे, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हुआ है। जितना आप इसको सॉफ्ट रखेंगे उतना आपका रसगुल्ला भी सॉफ्ट होगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए रसगुल्ला बनाने के लिए। रसगुल्ला बनाने के लिए जितना आप घसेंगे उतना अच्छा होता है। फिर एक जगह इसको कलेक्ट कर लीजिए। फिर आप अपने रसगुल्ले का गोलापन जिस हिसाब से आप रखना चाहते हो वो हिसाब से बना लीजिए। छोटा बड़ा लंबा चौड़ा जैसा आपका इच्छा, आपका चीज़ है, आपको बनाना है जैसा चाहिए वैसे बनाइए। गोल बनाना है गोल बनाइए, लंबा बनाना है लंबा बनाइए, छोटा बनाना है छोटा बनाइए। तो मेरे सारे रसगुल्ले गोल गोल हो गए हैं। अब मैं अपने चाशनी की तैयारी करता हूँ। चाशनी के लिए मैंने एक बड़ा कप चीनी लिया है। उसी कप से मैंने इसमें 3 बार पानी डाला है, जिससे हमारा रसगुल्ला जो है कि अभी हम इसको उबालना है, इसके अंदर डाल के जो हमारा थोड़ा मीठापन है वो रसगुल्ले के अंदर चले जाए और रसगुल्ला फूल जाए। इसमें मैंने छोटी इलायची भी डाला है जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा उबाल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें एक एक करके अपना रसगुल्ला जो हमने गोल गोल किया था वो इसमें एक एक करके छोड़ देंगे। और छोड़ के इसको तकरीबन हमको 10 मिनट तक उबालना है ताकि रसगुल्ला अच्छे से अंदर से सॉफ्ट हो जाए और इसका हल्का थोड़ा मीठापन चले जाए। और दूसरी बात कि अभी हम इसके लिए अलग से चाशनी बनाएंगे, तो इसको सिर्फ हमको उबालना है थोड़ा मीठा पानी में। जब ये उबल जाएगा तो इसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। और हमको इस चाशनी के पानी में से रसगुल्ला निकालना है। अब हम दूसरे चाशनी की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने एक छोटा कप चीनी लिया है और उसी कप से मैं इसमें 2 बार पानी डालूँगा ताकि हमारा चाशनी ज़्यादा पतला ना हो, गाढ़ा हो। और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो तब हम अपने रसगुल्ले में चाशनी को डाल देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। हमारा रसगुल्ला बन के रेडी है। आपको जो अगला रेसिपी चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।